हेलो एवरीवन, विंग्स ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर करेंगे और ये सभी वर्ड्स प्रीवियस ईयर हैं और ये पार्ट 7 होगा। तो आइए फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला वर्ड है हमारा बेनेवोलेंट। क्या है दोस्तों? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का दोस्तों मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। अब इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? काइंड। आप क्या बोल सकते हैं? काइंड बोल सकते हैं। तो अब आप बेनेवोलेंट कब है? जब आपके अंदर दया है तभी तो आप बेनेवोलेंट हैं, तभी तो आप काइंड नेचर के हैं। और क्या सिनोनिम हो सकता है? जेनरस बोल सकते हैं, है ना। अगला वर्ड है दोस्तों कर्टेल। क्या है? कर्टेल। कर्टेल का दोस्तों मतलब होता है घटाना। अब ये घटाना क्या है? तो कर्टेल ऐसे आप समझ सकते हैं, कोई बिजनेस है स्टार्टिंग में बहुत पीक पर था लेकिन अभी क्या हो गया? कर्टेल हो गया, मतलब वो घट गया है, डाउन हो गया है। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? डाउन साइज। मतलब पहले उसकी साइज काफी ऊपर तक थी, अभी वो नीचे हो गया है, कर्टेल हो गया है। अगला वर्ड है दोस्तों डिमोलिश। क्या है? डिमोलिश। दोस्तों डिमोलिश का मतलब होता है कोई चीज ध्वस्त कर देना, ठीक है, खत्म कर देना। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसमेंटल। और क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, ये भी इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है दोस्तों डिस्पेयर। क्या है? डिस्पेयर। दोस्तों इसका मतलब होता है निराशा। अब आप डिस्पेयर हैं किसी बात को लेकर, कुछ हो गया है उसको लेकर डिस्पेयर है, मतलब आपके अंदर निराशा है। अब इसका राइट सिनोनिम कैसे रिलेट करेंगे? माइजरी। और क्या हो सकता है जब आप निराश हैं? तो ग्लोमी बोल सकते हैं और सैड बोल सकते हैं। सैड भी एक तरीके से इसके आसपास ही है, आप निराश हैं, दुखी हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एमिनेंट। क्या? एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित। यहां तक बात समझ में आ गई। अब कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित है तो ये किसकी बात कर रहा है? उसके फेमस होने की बात कर रहा है। फेमस भी इसके सिमिलर मीनिंग दे रहा होगा एमिनेंट के, है कि नहीं। अब वो फेमस अपनी सिंगिंग को लेकर हो सकता है, अपने पैसे को लेकर हो सकता है, ठीक है। तो ये उसकी प्रतिष्ठा होगी। अगला वर्ड दोस्तों एनिग्मैटिक। क्या है? एनिग्मैटिक। दोस्तों एनिग्मैटिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण। क्या होता है? रहस्यपूर्ण। अब रहस्यपूर्ण को कैसे समझेंगे? कोई चीज रहस्य में कैसे है? जब वो हिडन है, मतलब जब आप उसे देख नहीं सकते, है ना, तो वो क्या होगा? हिडन होगा। तो हिडन भी इसका एक सिनोनिम होगा। दूसरा, जब कोई चीज रहस्य में होती है तो वो पजल फॉर्म में होती है ना, उसमें तो पजलिंग भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। अगला बड़े दोस्तों इटर्नल। क्या है दोस्तों? इटर्नल। दोस्तों इटर्नल का मतलब होता है निरंतर, या फिर आप बोल सकते हैं लगातार। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? परपेचुअल। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? परपेचुअल बोलेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों एक्सग्रेटेड। दोस्तों एक्सग्रेटेड का मतलब होता है कोई चीज बढ़ा चढ़ा कर बताना, है ना, कोई चीज बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा? मैग्निफाई। ये इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। और हिंदी में इसको आप यह बोल सकते हो अतिशयोक्त करना, ठीक है, मतलब किसी के बारे में बढ़िया मिर्च मसाला लगा के बताना। तो आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स कवर हो गए होंगे। हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े? बेनेवोलेंट, कर्टेल, डिमोलिश, डिस्पेयर, एमिनेंट, ठीक है, एनिग्मेटिक, इटर्नल और एक्सग्रेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।